एरिश बांध परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर। 53 दिन बाद भी दरअसल पूरी नहीं हो पाई है परियोजना की जांच। आपको बता दें कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने का दावा किया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने 12 अप्रैल को दरअसल ये दावा किया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मंत्री के दावे को खारिज किया। जांच अधिकारी सीएम योगी की सोच को पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि चीफ इंजीनियर गंगा एस के शर्मा है जांच अधिकारी और इस पूरे मामले की जांच दरअसल 12 अप्रैल को आने का दावा खुद सिंचाई मंत्री ने किया, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। तो चीफ इंजीनियर रुहेलखंड एके सिंह है जांच अधिकारी और साथ ही साथ प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा के सुझाव पर ये जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी। आपको बता दें कि सुरेश चंद्रा के बेहद खास है दोनों ही चीफ इंजीनियर। दोनों चीफ इंजीनियर पर पहले ही कई आरोप लगे हैं। विभागीय परियोजनाओं में घोटाले के आरोप दोनों ही चीफ इंजीनियर्स पर लगे हुए हैं। दागी जांच अधिकारियों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जब से सिंचाई विभाग की कमान संभाली है तब से उन्होंने कई विभागीय परियोजनाओं की जांच शुरू की है। झांसी की एरच बांध बहुउद्देशीय परियोजना उन्हीं में से एक है। 12 अप्रैल को सिंचाई मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परियोजना की जांच कराने की बात कही थी और अगले 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने का दावा किया गया था। सिंचाई मंत्री की तरफ से कहा गया था कि चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे और विभागीय प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा के सुझाव पे चीफ इंजीनियर गंगा एस के शर्मा और चीफ इंजीनियर रुहेलखंड ए के सिंह को इस परियोजना की जांच सौंपी गई थी। 15 दिन में भले ही जांच रिपोर्ट का दावा किया गया था, लेकिन अब 53 दिन के बाद भी ये जांच रिपोर्ट अब सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में जब समयबद्ध जांच अगर समय से पूरी नहीं किया तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होना लाजमी है। उसकी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल के आ रही है, जो जांचकर्ता जो अधिकारी हैं, जो दोनों चीफ इंजीनियर एस के शर्मा और ए के सिंह हैं, वो इस परियोजना में जो तकनीकी खामियों की बात सामने लाकर जो फर्म है जो जिसको टेंडर दिए गए थे घनाराम इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड 468 करोड़ रुपए के जो टेंडर थे, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। खुद सिंचाई मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सिंचाई विभाग की ज्यादातर जो परियोजना है उनमें भ्रष्टाचार हुआ है और उस दौरान जो अधिकारी जो उसमें जिनकी तैनाती रही है जो उन परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के जो घेरे में वो भी आते हैं। चीफ इंजीनियर एस के शर्मा और ए के सिंह उन्हीं में से दो नाम है जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे और अब जांच रिपोर्ट को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं 53 दिन बाद भी उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं जो घनाराम इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड उनको बचाने की कोशिश है और योगी सरकार की सोच को जो पलीता लगाने का काम भी दोनों चीफ इंजीनियर कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन मानस के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। तो 15 दिन में जांच पूरी होनी थी, लेकिन 53 दिनों का वक्त बीत जाने के बाद भी इस परियोजना की जांच पूरी नहीं हो पाई और योगी सरकार की सोच को जो पलीता लगाने का काम भी दोनों चीफ इंजीनियर कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन मानस के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। तो 15 दिन में जांच पूरी होनी थी, लेकिन 53 दिनों का वक्त बीत जाने के बाद भी इस परियोजना की जांच पूरी नहीं हो पाई। मेरे सहयोगी हरेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, 15 दिन बोला गया था लेकिन लंबा वक्त हो गया है, क्या कारण दिया जा रहा है कि जांच पूरी नहीं हो पा रही? जी देखिए अंजलि, बिल्कुल इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जब एक जांच रिपोर्ट को आने के लिए समयबद्ध तरीके से टाइम दिया गया था, 15 दिन इसको टाइम बाउंड किया गया था, 15 दिन में जांच रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी जाएगी, चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 53 दिन तक जो जांच अधिकारी है वो इसकी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप पाए? तो उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए यही है कि सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद इस बात को स्वीकारा था, मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि सिंचाई विभाग की ज्यादातर जो परियोजनाएं जो चल रही हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ और वो कोई भी ये परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाई। जब खुद सिंचाई मंत्री जिनके ऊपर जो मुखिया है सिंचाई विभाग के उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग की परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हुई, अधिकतर में भ्रष्टाचार है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो जिनकी तैनाती अधिकारियों की रही होगी वो भी उस भ्रष्टाचार के घेरे में रहे होंगे। तो विभागीय अधिकारियों को ही एरच बांध परियोजना की जांच सौंपना अपने आप में सिंचाई मंत्री की सोच के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है और उसी के चलते ये जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। 53 दिन हो चुके हैं, जो चीफ इंजीनियर गंगा है एस के शर्मा और चीफ इंजीनियर रोहिलखंड ए के सिंह को इसकी जांच सौंपी गई थी,
53 दिन बाद भी जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो इस जांच रिपोर्ट को 15 दिन से ज्यादा जो डिले किया गया उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो विभागीय जो खामियां हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है, जो तकनीकी खामियां हैं उनको उजागर किया जा रहा है इस जांच रिपोर्ट में, जो वित्तीय अनियमितताएं जो घनाराम इंफ्रा लिमिटेड की तरफ से की गई है, जो विशन सिंह यादव हैं जो उनके चेयरमैन हैं उनकी तरफ से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, और जो चीफ इंजीनियर तत्कालीन जो चीफ इंजीनियर थे जो इस परियोजना से जुड़े रहे थे विनय श्रीवास्तव जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ एक दो जो विभागीय जो इंजीनियर है दबाव आने पर उनके ऊपर गाज गिराए जा सकते, तो इस तरह की सोच जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है वो है वो देखने को मिली। इसी वजह से 53 दिन बाद भी इस जांच रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। अंजलि देखिए बताना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग की जो प्रमुख योजना न सिर्फ एरच बांध बहुउद्देशीय परियोजना है बल्कि गोरखपुर की गंडक परियोजना, चाहे वो गोंडा की एल्गन चौड़सड़ी परियोजना हो, जिसमें सिंचाई मंत्री इस बात को कहते रहे कि सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो, एक या दो लोगों जो जेई या ए स्तर के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर गाज गिरा दी जाती है, लेकिन बड़े लोग होते हैं। सिंचाई मंत्री इस मामले में भी हवाला देते नजर आए थे, उन्होंने इस मामले में भी कहा था कि 15 दिन के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन कितनी गंभीरता से ले रहे हैं अधिकारी उन्हें, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि जो विभाग के जो प्रमुख सचिव है सुरेश चंद्रा, जुलाई 2016 से उनकी तैनाती, और जब एरच बांध परियोजना में जो भ्रष्टाचार हुआ था 612 करोड़ की परियोजना को का बजट बढ़ाकर 1083 करोड़ रुपये किया गया था, उस वक्त सुरेश चंद्रा की प्रमुख सचिव के तौर पर तैनाती थी, और दोनों जो जांच अधिकारी हैं जिनके ऊपर जांच सौंपी गई सुरेश चंद्रा के बेहद खास है, उनके कहने पर ही उनके सुझाव पर ही सिंचाई मंत्री ने जांच सौंपी थी, और सिंचाई मंत्री कहते भले ही रहे हो कि अब जो जांच है वो समय से पूरी कर ली जाएगी और जो जितनी भी परियोजनाएं जिनमें घोटाला हुआ है उनमें जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं न सिर्फ सिंचाई मंत्री बल्कि विभाग के जो प्रमुख सचिव है सुरेश चंद्रा और जो जांच अधिकारी है उनकी सोच यही है कि कैसे इसको जो लंबित किया जाए, और जो एक दो जो छोटे लोग हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरा के बिल्कुल और यही हो रहा है। हरिंद्र शुक्रिया, हरिंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में हीला हवाली ही बरती जा रही है, 15 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया था लेकिन 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इस मामले में जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई।